हेलो, वेलकम बैक टू हेम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान जिसका फ्रंट है 30 फिट। ठीक है, ये फ्रंट जो है ये है 30 फिट एंड देन जो डेप्थ है वो है 39 फिट। ये है 39, ये है 30। ठीक है, एंड देन दिस इज़ द प्लॉट। 30 बाई 39 का ये है प्लॉट। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो 2 BHK सेट की हैं, 2 बेडरूम, 1 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट, 1 ड्राइंग रूम, किचन, स्टेयरकेस बाहर से पोर्च से, एंड देन WC एंड बाथ सेपरेट, और 1 पूजा स्पेस। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। इसको इतना जूम कर लेते हैं। यहीं लेफ्ट से ही इस प्लॉट में दिया गया है एंट्रेंस। इसका साइज़ है 9.5 बाई 15। ठीक है, ये यहाँ तक का साइज़ है, 15 फिट 9 इंच जो है वो यहाँ तक का है। अच्छा, ये हो गया हमारा कार पार्किंग स्पेस 9.5 बाई 16। ठीक है, एंड देन स्टेयरकेस भी हमें जो है बाहर से ही देना है। यहाँ पे तो कार पार्क हो जाएगी, स्टेयरकेस जो देना है हमें वो बाहर से देना है। तो उसके लिए ये ऐसे ऐसे यू शेप में ये स्टेयरकेस आ गया है। इसका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ से देने का, क्योंकि हमें गाड़ी का जो बोनेट होता है वो 2.5 फिट का होता है, तो यहाँ तक जो है हमें हाइट मिल जाती है 2.5 फिट की। उसके बाद जो स्टेयरकेस आगे बढ़ता है वो कार के ऊपर से चला जाता है। अभी हम 3D की भी सीरीज शुरू करेंगे इनकी, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन घर की तरफ। पोर्च से ये एक एंट्रेंस है मेन घर का, तो ये है मेन एंट्रेंस। ठीक है, हम इससे पहुंच जाते हैं लोबी में। लोबी का साइज़ है 13 बाई 13 का अप्रॉक्स। ये है 13 बाई 13 का लोबी का साइज़। इस लोबी से जो शुरू में ही कनेक्ट है ये किचन, 7 बाई 10 की ये है किचन। ठीक है, और इस किचन का जो स्लैब है वो इस तरीके से आ जाएगा, ये एल शेप में ये स्लैब आ जाएगा। एंड देन इसकी फ्रंट पर ही विंडो लग गई है, इसका वेंटिलेशन बाहर से ही हो जाएगा। ओके, देन अब हम चलते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट के तरफ। लोबी से ये कनेक्ट है हमारा ड्राइंग रूम। इसका जो साइज़ है 12.5 बाई 10 का है ये ड्राइंग रूम, और इसका एक एंट्रेंस बाहर को खुलता है, मतलब डायरेक्टली हम जो है बाहर के बाहर से भी ड्राइंग रूम में आ सकते हैं, देन फिर लोबी में। तो अब चलते हैं हम टॉयलेट एंड बाथ की तरफ। इसमें दोनों सेपरेट देनी थी, तो एक ये 5.5 बाई 4.5 की कनेक्ट हो गई है बाथ, एंड देन यहाँ से होकर के ये डोर लगेगा, ये 5.5 बाई 3.5 का कनेक्ट हो गया है ये WC। ठीक है, और इनका वेंटिलेशन हो जाए इसीलिए जो है यहाँ पे 5.5 बाई 4 का ये दिया गया है ओपन। अब नाउ देन चलते हैं पूजा स्पेस की तरफ। पूजा यहाँ से लोबी से ये कनेक्ट है पूजा, 5.5 के अप्रोक्स ये है पूजा स्पेस। ठीक है, नाउ अब हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, 2 बेडरूम और उससे अटैच टॉयलेट और स्टोर। इसको करते हैं जूम इन। तो ये है हमारा बेडरूम 1 और देन दिस इज बेडरूम 2 एंड यहाँ पे आएगा ये डोर। ठीक है, ये डोर इस तरीके से खुलता है हमेशा ही। ठीक है, ये हम खोलेंगे इस तरीके से, डोर खुल जाएगा, डन। तो ये हो गया है हमारा डोर, देन यहाँ से एंट्रेंस हो गई है। इसका जो साइज़ है इस बेडरूम का वो है 13 बाई 14 का। ठीक है, और इस बेडरूम से भी फिर जो है हमारा कनेक्ट है ये वाला टॉयलेट। इसका डोर इस तरीके से खुलता है यहाँ से अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा टॉयलेट। टॉयलेट के लिए हम 2.5 फिट का डोर यूज़ करते हैं, 8 बाई 4.5 की ये कनेक्ट हो गई है टॉयलेट। ठीक है, और इसके इस OTS पर भी आएंगे अभी हम दूसरे बेडरूम से होकर के, एंड देन इसका भी जो डोर है वो भी ऐसे ही अंदर को खुलता है। और जो स्विचेस होते हैं बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, वो यहाँ इस साइड लग जाते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लान पे भी अभी मैं आऊँगा, सब कुछ बताएंगे अभी आपको। ठीक है, देन इसका एंट्रेंस हो गया है ये। इसका साइज़ है 11.5 बाई 14 का, और इसका जो डोर खुलता है कोर ये स्टोर में, इसका साइज़ है 8 बाई 4.5 का। ये स्टोर इससे हो गया है कनेक्ट, इस बेडरूम से कनेक्ट हो गया है ये टॉयलेट।
और इससे कनेक्ट हो गया ये स्टोर। अब चलते हैं इन दोनों बेडरूम्स के, इसके 2K और 3K वेंटिलेशन की तरफ। इन तीनों का वेंटिलेशन हो जाए इसलिए जो है ये दिया गया है 5x5 की शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट में क्या होता है, इसमें हमारी स्लैब नहीं होती, छत नहीं होती, तो ऊपर से इसका वेंटिलेशन हो जाता है। इस OTS की वजह से इस वाले बेडरूम में विंडो ये लग जाएगी, इस वाले बेडरूम में विंडो ये लग जाएगी, उस टाइल टॉयलेट में भी वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा। ठीक है, और इसकी सफाई वगैरह के लिए जो है यही टॉयलेट से एंट्रेंस दिया गया है। ठीक है, तो इन तीनों का वेंटिलेशन इसके थ्रू हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा प्लान 30x39 का, बहुत अच्छा प्लान है ये। तो अगर आपका प्लॉट यही है, थोड़ी बहुत आपकी रिक्वायरमेंट अलग है तो आप एडजस्ट करवा सकते हैं, या फिर और रिक्वायरमेंट अलग है तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपका फ्लोर प्लान रेडी करा के आपको सेंड कर देंगे। एंड कीप वॉचिंग हैम इंस्टीट्यूट, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि जब भी हम वीडियो शेयर करें सीधा आपके पास आए। बाय बाय।